अस्सलाम वालेकुम जी। तो वेलकम जी आपको मेरे शहजादो, मेरे दिल के टोटो, मुझे देखने वालों, मुझे चाहने वालों, आप सबको मेरा सलाम। तो अभी मैं जी ग्रैब कर आ रहा हूँ और रेलवे स्टेशन जाना है। तो ग्रैब टोटल मुझे पड़ी है 13 रेंगिट की, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं 521 लगभग इतने पड़ते हैं। तो साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अच्छा मलेशिया के लिए पाकिस्तान से फ़्लाइट कितने की मिलती है, विज़िट वीज़ा, जॉब वीज़ा और ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। तो जी विज़िट वीज़े के लिए आपको चाहिए कि बैंक स्टेटमेंट होती है और पासपोर्ट वैलिड होने चाहिए 6 मंथ और बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स और ये सारे डॉक्यूमेंट्स। तो इससे अच्छा है कि अगर आप एजेंट को, किसी एजेंट को बोल दें तो वो आपसे 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा ले लेगा और आपको वीज़ा लगा के दे देगा एजेंट जो। वो ऐसा होता है कि वो सिर्फ 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा ले लेते हैं और आपको वीज़ा लगा के दे देते हैं। वीज़ा मलेशिया का लग जाता है 15 दिन के अंदर, विज़िट वीज़ा जो कि 15 दिन का लगता है और फिर आपको उसको एक्सटेंड भी करा सकते हैं, तो टोटल 1 महीने का हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि मलेशिया में इतनी महंगाई नहीं है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मलेशिया महंगा है पाकिस्तान से और सस्ता है सिंगापुर से, सिंगापुर बहुत ज़्यादा महंगा है। तो जी मुझे भी लग रही थी बहुत ज़्यादा प्यास, तो मैं आ गया एक दुकान पे, उसको मैंने बोला कि मुझे मिनरल वाटर की एक छोटी सी बोतल दे दो। उसने मुझे तो छोटी सी बोतल दी, मुझे कहता है कौन सी दे दूँ, ये 2 रेंगिट की है, ये 2.5 रेंगिट की है और ये 3 रेंगिट की है। मैंने कहा 2 रेंगिट वाली दे दो, सारी एक ही साइज़ था। तो ये मैंने जी 2 रेंगिट की बोतल ली है जो कि पाकिस्तानी 81 रुपये बनते हैं, 81 रुपीज़। तो यही बोतल पाकिस्तान में 20 रुपये की होगी, 25 रुपये की होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो आप खुद देख सकते हैं कि महंगाई है पाकिस्तान से ज़्यादा। भी मैंने लेना था टिकट, जो कि मैंने ट्रेन पे जाना था, तो मुझे इसकी समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे टिकट यहाँ से बाय करूँ। तो मैं चला गया सामने काउंटर पे, तो काउंटर से मैंने फिर ले लिया कार्ड। ये सामने आपको जो नज़र आ रही है काउंटर है, तो मैंने ले लिया इधर से कार्ड। इन्होंने मुझे 50 रेंगिट का कार्ड दिया और ये देख सकते हैं आप, ये कार्ड को टच करें और आप जा सकते हैं। तो 50 रेंगिट कार्ड पाकिस्तानी बन जाते हैं तकरीबन 2100 रुपये बनते हैं या 2000 बनते हैं। तो जी अब बात करते हैं कि पाकिस्तान से मलेशिया और मलेशिया से पाकिस्तान का रिटर्न टिकट कितने का है। रिटर्न टिकट वो होता है आना और जाना, ठीक है। सो आज से 1 साल पहले पाकिस्तान से मलेशिया और मलेशिया से पाकिस्तान का जो टिकट था वो 80,000 का मिल जाता था, पर आजकल वो टिकट इतने का नहीं मिलता। ये अगस्त है, अगस्त में आपको बात कर रहा हूँ, ये 27 अगस्त है। तो 27 अगस्त की मैं आपके साथ आज की डेट पे बात करूँगा कि आज और सितंबर और अक्टूबर और नवंबर तक के जो टिकट हैं वो आपको मिलते हैं 1,30,000 रुपये पे आना और जाना। और जी वेट हो रहा है ट्रेन का अभी इस टाइम पे, तो मैं वेट कर रहा था, कभी उधर जा रहा हूँ कभी इधर आ रहा हूँ। देखें ना मेरी वॉक, देखें वाह कैट वॉक है मेरी, क्या बात है, वाह शहजादा लगे हैं शहजादा, आह आई लव यू वजी भाई, आई लव यू। तो अच्छा जी गप शप ही हो गई, तो बात करते हैं कि जो फर्स्ट टाइम आना चाहें मलेशिया, तो अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो वो आपको डिपोर्ट कर देंगे, ठीक है। 100 में से 90% डिपोर्ट हो जाते हैं लोग, क्योंकि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती, सिर्फ एक कंट्री या 2 कंट्री में वो जाते हैं, पर इसको ट्रैवल हिस्ट्री नहीं कहते। कम से कम आपने 4-5 कंट्री का विज़िट करना होता है, उसके बाद फिर मलेशिया आपको एंट्री देता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो कि फ़र्स्ट एंट्री भी आ जाते हैं, पर कुछ लोग फर्स्ट एंट्री पर नहीं आते, उन वाले इमिग्रेशन वाले ये इनको डिपोर्ट कर देते हैं। तो मेरे फर्स्ट टाइम जो भाई भी आ रहे हैं तो वो ऐसा करें कि डिपोर्ट होने से बच जाएं, क्योंकि 1,30,000 रुपये आप ये दे रहे हैं, फिर टिकट के भी आप दे रहे हैं, तकरीबन आप 1.5 लाख रुपये जब लगा के आते हो, तो जब आप मलेशिया के एयरपोर्ट से डिपोर्ट हो जाते हो तो पैसे तो हो गए आपके ज़ाया। अगर आप फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम मलेशिया, मतलब कि फर्स्ट टाइम आप किसी और कंट्री गए और सेकेंड टाइम आप मलेशिया आने चाहते हो, तो ये आपके लिए ज़्यादा रिक्स होगा। इससे बेहतर है आप काउंटर सेटिंग कर दें, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एजेंट है जो कि काउंटर सेटिंग करते हैं। तो काउंटर सेटिंग है तो ऐसे होती है कि थोड़े से वो एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं और आपको
एयरपोर्ट क्रॉस करा देते हैं। अभी आपने अगर आना है जॉब के लिए तो आप मुकम्मल जॉब का वीज़ा लगा के आइएगा, क्योंकि वो आज से दो चार पाँच साल पहले, सात आठ साल पहले जैसा काम होता था कि लोग आ जाते थे विजिट वीज़े पे, फिर यहाँ पे आके जॉब करते थे, तो चलो ठीक है पकड़े गए तो फिर डिपोर्ट हो जाते थे। ऐसा अभी कुछ नहीं है। इन दो सालों में इतनी सख्ती हो चुकी है कि आपकी सोच से कहीं ज़्यादा। और जो भाई भी आना चाहता है मलेशिया में, वो विज़िट के लिए 10 मरतबा आए, पर विज़िट के आप इरादे से आ रहे और आके फिर इधर आपने जॉब करनी है, तो वो आपके लिए कल को बहुत मसला बनेगा। आपको उठा के जेल में डाल देंगे, 3 महीने आप जेल में रहोगे, घर के लिए भी परेशानी होगी और अपने लिए भी आपके लिए परेशानी होगी। तो इस परेशानी से बचने के लिए आप वर्क परमिट लेकर आएँ तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और वर्क परमिट जो होता है वो मलेशिया से नहीं मिलता, वो पाकिस्तान से ही आपको इशू हो जाता है वर्क परमिट। तो अभी वीडियो ख़त्म करते हैं यहाँ पे, और कल वीडियो का वर्क परमिट के बारे में आपको बताऊंगा। वर्क परमिट मलेशिया का वर्क परमिट हो गया और कैसे लगता है, क्या होता है, इन सब बातों की इन्फॉर्मेशन मैं आपको कल दूंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।